बीज का पद है, चलो मैं निवेदन करूं। अरे ऐसो भरम बिगुरचन भारी साधो भाई, बिगुरचन बिगुरचन कहते हैं भरम को, जैसे बिगुरचा खेत की मेड़ा पे ना लगा देता ही लगाइए ने को बनाए के, और बात है पशु पक्षी डर पत्र रहते हैं कि कहूं जी आदमी तो ना ने, पर वो बिगुरचा ने तो खाए और ने खान दे। पर ये भी हमने देखा है कि वो नील गाय आती है तो वो डरती है, और डरते डरते फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे और फिर जाके भाई ऐसा उखीड़ते हैं तो बाकी धज्जिए ने उड़ाए उड़ाए के और फेंक और छुट्टी कर देते हैं, उसको तोड़ देती हैं। साधारण पशु पक्षी तो डरते हैं, इसी तरीका से कबीर ने इसको तोड़ करके बिगाड़ करके फेंक दिया, बुद्ध ने तोड़ करके बिगाड़ करके फेंक दिया, आज भी संत महात्मा भी इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक बार कहीं चर्चा चल रही कि इन पंडितों ने ऐसा किया है, ये भिंड की बात है। हमने कहा चलो पंडितों ने कभी किया होगा, वो सकवार समाज के लोग थे ज्यादा, तो आप सकवार हैं और एक जाटव समाज है, आप अपने संबंध क्यों नहीं बना रहे हो जब आपने जान लिया है तो? कहिए सब कुछ होता ही नहीं है, और जे सब ब्राह्मणों ने ऐसी बातें फैलाई है तो अब तुमने जे सारी बातें जान ली हैं तो अब तुमने ये दीवार क्यों बना करके रखी है? किसका दोष है ऐसे में? हमारे यहां भी जो साक्य और मावर हैं, कितने लोग समझदार प्रयास कर रहे हैं कि जब एक हो जाए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाते हैं? किसका दोष है इसमें? और ये एक साक्य सकवार और मावर और जाटवों की बात नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है ही, शूद्रों में भी हजारों जातियां हैं और फिर एक जाति में भी फिर हजारों सेकंड घुस रही हैं, और फिर जो लोग मानते हैं वो नहीं जानते हैं वो मानते हैं, पर जिन्होंने जान लिया है वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं इस विषय पर, वो भी सोचते हैं अरे चलो परंपराएं चल रही है चलने दो जिनता। साके लोग कहते हैं मुँचे, मावर कहते हैं मुँचे। अब इसमें हम किसके चांद पे गड़ाए फो रहे हैं? और सब सत्संग ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई किसी न किसी धारा से, कोई वंश वाली धारा से, कोई पारक की धारा से, तो कोई काशी की धारा से लोग जुड़े ही हैं। पर शायद सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि साकी कहे गए नहीं चाल चली नहीं जाए, और सल धार न दिया वह तो पाम कहाँ ठहरा है, कहता तो बहुत मिले गहता मिला न कोई, सो कहता है भाई जान दे जो न गहनता हो। इसलिए मेरे भाई बहनों हम तो निवेदन करते हैं कि चाहे हम कोई हैं पर हम एक इंसान हैं और कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर देखिए आगे इस पद में कितनी बढ़िया बात बताते हैं, ये साधो ऐसो भरम बिगुर चन भारी, धर्म भी गुर चन भारी, और वेद के वदी नयर दो जग को पुरुषा को नारी, साधो ऐसो धर्म भी गुर चन भारी, संतो ऐसो धर्म भी गुर चन ऐसो।
अरे वेद और कितेब, सदगुरु कबीर कहते हैं दीन और दोजक, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इसलिए अब देखिए आगे उन्होंने कितना खुलासा किया है। माटी का घट साज बनाया, इसकी वास्तविकता क्या है? अरे माटी का घट साज बनाया, ये साज शरीर और नांदे बिंदु समाना, ये शरीर की उत्पत्ति ये माता पिता के संयोग से रज और वीर से होती है। लोग कल्पना करते हैं कि कोई आंख से, कोई कान से, कोई दूब से, कोई डाब से, कोई आकाश से तो कोई धरती से, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा और आप सबका जन्म हुआ वैसे ही सबका होता है। हमारे कबीर पंथ में भी कहते हैं कबीर साहब जी तो कमल में ही पैदा हो गए, पर नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा और तुम्हारा सबका जन्म कमल से ही हुआ है, क्योंकि माँ का वो कमल ही खुलता है। जहाँ जहाँ गर्भ की स्थापना होती है वो कमल ही होता है, और जब वो कमल खुलता है तभी इस शरीर की रचना होती है। पर ऐसा नहीं है कि जो तालाब के किनारे पर कमल खड़ा हुआ था उसमें से कबीर पैदा हो गए, ऐसा नहीं था कि जो वो दूब खड़ी थी उसमें से द्रोणाचार्य पैदा हो गए, ऐसा नहीं था कि वो कभी डाब में थे, ऐसा नहीं था कि वे कान हनुमान जी और कान में से कूद पड़े, ऐसा नहीं था कि वे नाश के तो नाक से पैदा हो गए। ये सब हमारी, यही तो भ्रम है। सदगुरु कहते हैं इसको विगुरुचना, ये कुछ नहीं है। अरे माटी का घट साज बनाया और नांदे बिंद समाना, अरे घट बिन से क्या नाम उधर होगे, है मां का खोज भुलाना, संतों ऐसो धर्म बिगुर जन भारी, साधो ऐसो धर्म बिगुर जन भारी, ये वेद किते वदीन और दोजक ओ पुरुषा को नारी, संतों ऐसो धर्म इतनी बढ़िया। कबीर साहब जी ने तो जहां तक वेद को समाप्त कर दिया कि हंसन नारी पुरुष है ये तो काल का फंद, और घास फांस निर्वार के साहिब शरण आनंद। अरे ये शरीर स्त्री है और शरीर पुरुष है, लेकिन जो शरीर में जो चेतना है आत्मा है वो न स्त्री है और न वो पुरुष है। अच्छा, जब कोई आदमी मर जाता है या कोई बहुबेटी मर जाती है या कोई गधा घोड़ा भैंस गाय मर जाती है तो क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं कि वो स्त्री निकल गई, या ये कहते हैं कि कोई पुरुष निकल गया, या ये कहते हैं कि गैया निकल गई क्या घोड़ा निकले, वो क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम हंस ही तो आते हो, और जब हंस स्थिति हमारी समझ में आ जाए सज्जनों, तो फिर सदगुरु कबीर कहते हैं अरे कहाँ स्त्री और कहाँ पुरुष। लेकिन ये हमारे वेद दृष्टि है। और देखिए आगे कहा है कि घटबन से क्या नाम धरोगे, जब शरीर को गाड़ दिया या जला दिया, पानी में पानी, हवा में हवा, आग में आग, पृथ्वी में पृथ्वी, जो सारा जो कार्य था वो अपने कारण में विलीन हो गया। अब देखिए आगे एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गूदा,
एक तुचा हाड़ मल मूत्रा एक रुद्र एक दूदा एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्र संतों है सो धर्म भी दूर चैन भारी साधो है सो धर्म भी दूर चैन भारी वेद किते वती ने और दो जक को पुरुषा को नारी साधो है सो धर्म भी दूर चैन भारी संतो है सो धर्म भी दूर चैन भारी और कितना बढ़िया रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ी हरि होई। अभी हमारा अम्बा में कार्यक्रम हुआ था दोहरी, यहाँ वो कमल धर्मशाला है, वहाँ लोग आए थे 5-7, वो रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, वो किताब बांट रहे और फिर वो कि महाराज हम आपसे 2-4 बात कर लें, आपको बुरा नहीं लगे तो। मैंने कहा कर लो। अच्छा तो महाराज आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा पहले तो आप ये विचार करिए कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि बुरा तो नहीं मानोगे, तुम तो अपनी बात कहो, बुरा मानेंगे तो कि हम तुम पे कज काटने के लिए जा रहे हैं, हम तुम्हारी लागे बंद कर देंगे, तुम्हारी जो बात है उसको कहिए आप, हम बुरा भी मान लेंगे तो फिर क्या होगा, आप अपनी बात कहिए। और आप अगर बार बार कहते हो कि बुरा नहीं मानोगे बुरा नहीं मानोगे तो हमको निश्चिंत लग रहा है कि आप बुरी बात कहोगे हमसे, और अगर बुरी बात कहोगे तो फिर हम बुरा मानेंगे, जरूर बुरा मानेंगे। तो क्या आप ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन थे? हमने कहा भी अपने समय पर कोई होंगे तो होंगे, पर सदगुरु कबीर साहब जी ने तो ये कहा है कि रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण हरि होई, और कहे कबीर राम राम रहिए हिंदू तुरक न खोई। हैं कबीर साहब जी की दृष्टि में तो ये तीनों गुण हैं प्रकृति के, जो मूल प्रकृति है उसके ये तीन गुण हैं। आप कबीर साहब जी को क्या मानते हैं? हमने कहा हम कबीर साहब जी को एक संत मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, एक मार्गदर्शक मानते हैं समाज का। अच्छा तो आप कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते? वेद में तो ऐसा कहा है। मैंने कहा वेद में कहीं नहीं कहा है, तो जे रामपाल महाराज जी ने ये लिखा है इस तरीका से प्रमाण दिए हैं। मैं रामपाल महाराज ने जो प्रमाण दिए वो बिल्कुल गलत हैं, नहीं तो कबीर साहब जी का नाम कुरान में है न वेद में है। मेरे पास 4-5 महापुरुषों की टीका के वेद रखे हैं, और आप कहीं पर बताइए, और जहाँ जो जो वेदों के विद्वान हो उनसे उसका समीकरण करवाइए। ये नहीं कि हम कह दें अपने मन से सोई बात हम मान लें। अरे जो करवर शब्द है बातें कबीर कह दई, एक वीर शब्द है बातें कबीर कह दई, है ये तो बिल्कुल झूठी बात है सारी की सारी। और फिर चलो ठीक है, आप कह रहे हो वह कबीर परमात्मा है और कुछ नहीं था, तो हमने कहा कौन है देखा जब, और कौन था जो कह रहा है कि कबीर परमात्मा थे और कोई नहीं था? यह प्रश्न का उत्तर हमें दे दो और हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। हैं आप झूठी बात बना बना करके और एक भोले भाले लोगों को ठग करके, और जे तुम गरीबों का पैसा लेकर के और जे कागज छपवा छपवा करके तुम इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, इनमें लोग चूरन भी नहीं खा रहे हैं, ये घूरन पटरी भर रही हैं। तुम पुस्तक हमने भी लिखी है लेकिन हमने इस तरीका से बांटते हैं, इस तरीके का प्रचार हम नहीं करते हैं। ऐसा कहा है कि जो वास्तव में जो जिज्ञासु होता है पात्र होता है उसी के सामने सारी बातें रखी जाती हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा हीरा जहां ने खोलिए
जहाँ कुंजड़ों की हाट सहजे गांठी बांध के लगी है अपनी बाट। और जहाँ तलक कहा है कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर वार, त्रसाबंद जो होएगा पीवेगा जगमार। तुम हमसे कह रहे हो कि जो पुस्तक ले लो, हम क्या करेंगे इस पुस्तक से, हम क्यों ले इस पुस्तक को, हमारे यहाँ तमाम पुस्तक पड़ी हैं। रामपाल के सेवकों ने ही हमको ग्वालियर से गठैया बांध दी तस्वीर की और पुस्तकों की। हमने कि जिनको हम क्या करें कि महाराज जी ने फेंक जाइयो को न दिया हमें। मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम गए थे उनके पास और इनको लेकर के आए तब भी तुम्हारा कोई स्वयं का विवेक विचार नहीं था, तुम दूसरों के कहने से गए और फिर तुम लेकर के आए, अब इनको फेंक रहे हो, ये भी तुम्हारा अज्ञान है। फेंक क्यों रहे हो? अरे रामपाल ने कोई गलती की है, वो जेल में चले गए तो चले जान दो, किताबन में पढ़ो, फेंक क्यों रहे हो? उनके चित्र है तो उनके चित्रों को रखो, जहाँ लगे हैं वहाँ लगे ना, जी तुम पे जेमे मांग रहे हैं कि तुम्हारे घर का अनाज खत्म हो गया है, लगे हैं तो लगने रहने दो। अरे जब तुम लाए तब भी तुम्हारा स्वयं का विवेक नहीं था, अब तुम फेंक रहे हो, अब भी तुम्हारे स्वयं का विवेक नहीं है। सज्जनों, विवेकी आदमी तो विचार करके कार्य को करता है, किसी कार्य को करे। भाई साहब आप ये कहोगे बे लोग आपस में कह रहे कि तो मामलो गड़बड़े जहाँ तो चलो जल्दी, और वो खटपट अपने सामान को समेट करके और थ्रू हो गए वहां से। तो इसलिए भोले भाले जीव, भोली वाली माताएं उनको किताब पकड़ा देती हैं, कुछ लोभ दे देती हैं, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और ये सब का सब भ्रम है, ये सब विवरचन है। ऐसे भ्रम विवरचनों से हटकर के सदगुरु कबीर साहब जी के सही ठीक विवेक का उपयोग करिए। हैं कहें कबीर ते बाचिए जाके हृदय विवेक। हाँ, अपने आप में तौल करिए, शब्द की तौल करिए, वाणी की तौल करिए, कहिए क्या मामला है और ये क्या कहने के लिए जा रहे हैं। तो रजोगढ़ ब्रह्मा तमोगढ़ शंकर सतो गुड़ी हर होई, कहाँ कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक न कोई, ऐसो भरम भी गुरचन भारी साधो, ऐसो भरम भी गुरचन भारी है साधो ऐसो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, राजन हमने निवेदन किया कि ऐसा भ्रम विगुरचन भारी, ये बीजक का एक पद लेकर के, और वास्तव में ही ये भ्रम है, ये अंधविश्वास है, धोखा है, इस सारे भ्रम को विगुरचना को तोड़ करके हम एक बढ़िया इंसान बने, अच्छे एक सत्य को जीवन में धारण करें, जीवन में आनंद आएगा, जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सदगुरुदेव। सभी परिप्रिय के बैठे रहो।